हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर हम मार्केट में 110 सीसी की बाइक ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये दो बाइक ज़रूर आती है। एक तो है बजाज की सीटी 110 और एक है टीवीएस की रेडियोन 110। पहले आपको बजाज सीटी 110 में आपको 100 सीसी का इंजन मिलता था, अब इसमें कंपनी ने 110 सीसी का इंजन दे दिया है और कंपनी क्लेम करती है इसकी माइलेज 104 किलोमीटर प्रति लीटर और टीवीएस रेडियोन की कंपनी क्लेम करती है लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर। इसके ऊपर भी दोस्तों बहुत ही जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ माइलेज टेस्टिंग लाने की अलग अलग बाइक्स की, तो वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में आपको मैं दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, आखिरकार क्या लुकिंग मिलती है, क्या इंजन में पावर की आपको फ़र्क मिलेगा और क्या क्या बाकी चेंजेस है, और आपको मैं लास्ट में ये भी एक डिसीज़न दूंगा कि आखिरकार आपको दोनों में से कौन सी बाइक ख़रीदनी चाहिए और किस में ज़्यादा फीचर आपको मिलते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है वहाँ पे हमसे कोई भी सवाल या सुझाव पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हो, इस वीडियो को इधर ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम दोनों ही बाइक्स की लुकिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर हम सीटी 110 की लुक्स आप देखोगे तो इसमें आपको काफ़ी सिंपल कंपनी ने दी हुई है, ज़्यादा कुछ आपको लुकिंग में खास नहीं दिखता है इसमें। जैसे आपको 100 मिलती थी उसी तरह आपको 110 भी मिलती है सीटी, बस इसमें कलर थोड़ा बूस्ट कर दिया गया है, डार्क कर दिया है कंपनी ने। और वहीं अगर आप रेडियोन की लुकिंग देखोगे तो रेडियोन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश मिलती है, आपको उसमें क्रोम फिनिशिंग वाले मिरर्स मिल जाते हैं। जो दोस्तों अभी रेडियोन है हमारे पास स्पेशल एडिशन वाला है, एक नॉर्मल एडिशन के साथ भी इसका आएगा कंपेरिजन। अगर मैं दोस्तों लुकिंग की बात करूँ तो सीधा सीधा आपको रेडियोन ज़्यादा बढ़िया लगती है सीटी 110 के मुकाबले में। दोस्तों, हम लुकिंग के मुकाबले में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। और दोस्तों, अगर हम आगे हम इंजन की बात करें तो सीटी 110 के सबसे पहले मैं इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें 115 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो 8.6 पीएस की पावर जनरेट करता है और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर और इसमें आपको 2 वॉल्स मिल जाते हैं और सिर्फ ये किक स्टार्ट के साथ आपको मिलेगा और ये कार्बोरेटर आपको इसमें इंजन में मिलेगा। दोस्तों, अगर हम टीवीएस रेडियोन के इंजन की बात करें तो इसमें आपको 109.7 सीसी का इंजन देखने को मिलता है जो एक सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ड्यूरा लाइफ इंजन है। कंपनी क्लेम करती है कि इसका इंजन किसी भी दूसरे 110 सीसी के इंजन के मुकाबले 4 या 5 साल ज़्यादा चलेगा, तो इस पर तो अभी हमें नहीं पता, ये चल भी सकता है। बजाज का भी काफ़ी बढ़िया इंजन होता है, इसकी मैक्सिमम पावर आपको 8.4 पीएस दिखती है और 8.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है। ये भी आपको एयर कूल्ड इंजन मिलेगा और किक और सेल्फ इसमें आपको दोनों ही मिलेगी, दोनों में ही आपको 4-4 गियर मिल जाते हैं और दोनों ही कार्बोरेटर वाली बाइक्स है। और दोस्तों, अगर हम बात करें दोनों की फ़ीचर्स और सेफ्टी की तो आपको दोनों में ही जो मीटर है आपको एनालॉग वाला ही मिलता है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर ज़्यादा आपको फ़ीचर्स रेडियोन में मिलते हैं। अगर हम दोस्तों ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग के मुकाबले में सीटी 110 और रेडियोन दोनों में ही आपको ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है फ्रंट और रेयर में। फ्रंट में आपको सीटी 110 में 130 मिलीमीटर की मिलती है, वहीं रेडियोन में भी 130 मिलीमीटर की, रेयर में आपको सीटी 110 में 130 मिलीमीटर की ड्रम मिलती है और वहीं रेयर वहाँ पे रेडियोन में 110 मिलीमीटर की मिलती है। सस्पेंशंस की अगर हम बात करें तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स में जो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, और रेयर में स्प्रिंग एंड स्प्रिंग सस्पेंशंस आपको मिलते हैं सीटी 110 में और 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं आपको टीवीएस रेडियोन में। और दोस्तों, अगर हम टायर्स की बात करें तो टायर्स भी आपको दोनों के अच्छे खासे मिल जाते हैं, 17 इंच के फ्रंट और रेयर दोनों ही टायर आपको सीटी 110 में मिलते हैं और 18 इंच के फ्रंट और रेयर टायर आपको रेडियोन में मिल जाते हैं, जो आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं सीटी 110 में और ट्यूबलेस मिलते हैं आपको रेडियोन में, अलॉय व्हील्स आपको दोनों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर हम डिटेल में जाएँ तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10.5 लीटर की सीटी 110 की मिलेगी, 10 लीटर की रेडियोन की आपको मिलेगी, जिसमें से सीट हाइट आपको 812 मिलीमीटर की सीटी 110 की और 800 मिलीमीटर की रेडियोन की आपको सीट हाइट मिलेगी। 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस सीटी 110 का है, 180 मिलीमीटर का रेडियोन का, तो रेडियोन का थोड़ा ज़्यादा है। 116 केजी का वेट आपको मिलेगा सीटी 110 में और 112 केजी का आपको रेडियोन में वेट मिल जाता है।
अब हम बढ़ते हैं दोस्तों मेन चीज प्राइसिंग की तरफ। दोस्तों अब आपको झटका लगने वाला है क्योंकि प्राइसिंग आप सुन के दोनों की हैरान हो जाओगे। आपको लगभग 10 से 12,000 रुपए का आपको फ़र्क प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। जो आपकी रेडियोन है इसीलिए इसमें इतने सारे फीचर दिए हुए क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी कंपनी ने ज़्यादा रखी है। एक्स शोरूम प्राइस इन लुधियाना पंजाब अगर हम बात करें रेडियोन के नॉर्मल वेरियंट की तो इसकी लगभग 50,820 रुपए है। वहीं सिटी 110 किक स्टार्ट अलॉय व्हील की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 38,995 रुपीस है इसकी एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। तो लगभग 11,000 रुपए का फ़र्क है। तो इसीलिए आपको उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलती है और इसमें थोड़ी कम है। अब हम आते हैं लास्ट डिसीजन पर, आखिरकार आपको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए। अगर दोस्तों आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है 10 या 12,000 रुपए तो आप बेशक रेडियोन की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपको बेटर लुकिंग इंजन भी बढ़िया मिलेगा जो कंपनी ड्यूरालाइफ कहती है। और वहीं दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप अगर ट्रैफिक में ज़्यादातर आप चलाते हैं, आपको इंजन बेटर चाहिए, अगर एक दिन में लगभग आपका 50-60 किलोमीटर ट्रैफिक में आना जाना होता है तो आपके लिए सिटी 110 बेस्ट हो सकती है। इसमें आपको माइलेज पूरी मिलेगी और इसकी पावर भी थोड़ी रेडियोन से ज़्यादा है। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है, आप कौन सी बाइक आप खरीदेंगे। मैंने अपना डिसीजन दे दिया। अगर आप थोड़ी लुकिंग चाहते हैं और माइलेज से उतना आपको नहीं है तो आप रेडियोन की तरफ जा सकते हैं। थोड़े आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे और फीचर भी आपको रेडियोन में थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। वहीं सिटी 110 में आपको लुकिंग के मामले में कुछ भी नहीं है और सिर्फ माइलेज ही माइलेज है उधर और इंजन का थोड़ा पावर है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको किस तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने हमें अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। अब इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।